हेलो दोस्तों, एंगल चैप्टर का वर्ग 3 बता रहा हूँ। नेम ऑल द एक्सटेरियर एंगल इन द गिवन फिगर, गिवन ट्रायंगल। दोस्तों, एक्सटेरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है वो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये जो ऐसे हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, यहाँ जो एंगल बनता था ये इंटीरियर बनता था, यहाँ भी इंटीरियर, यहाँ भी इंटीरियर। लेकिन ये लाइन को अगर हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटेरियर यहाँ बनेगा, इस लाइन को भी यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक्सटेरियर बनेगा, इस लाइन को भी यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक्सटीरियर बनेगा। ये एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल को एक्सटीरियर कहते हैं। तो दोस्तों, नंबर फर्स्ट का बता रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल कौन होगा? 6 और एंगल 4, ये सारा एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट बता रहा है, नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। एक्सटीरियर एंगल यहाँ भरना है दोस्तों, उसके बाद है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल भरना है और एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखिए पहले होता क्या क्या दोस्तों। ये जो हम लोग अब यहाँ अभी जस्ट बनाए हैं, यहाँ अभी दिखा रहे थे, ये एंगल है एक्सटीरियर, ये इंटीरियर। तो दोस्तों, एडजेसेंट जो एंगल होता है ना, ये एंगल इसका एक्सटीरियर है, इसका एडजेसेंट यही है ना। उसके बाद है इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है इसका, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला दोनों होता है। और दूसरी बात, इसका जो है जितना होगा मेजरमेंट, ये दोनों का सम के बराबर मेजरमेंट होता है। फिर से बता रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल ये होता है और इसका एडजेसेंट एंगल ये होता है, और इसका जो है इंटीरियर अपोजिट ये और ये दोनों होगा। तो समझ आया? तो हम लोग चलिए यहाँ भरते हैं। तो यहाँ हम बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या हो रहा है इसमें। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या है? SRP या PRS दोनों बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ए नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल PRS। दूसरा, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ये वाला है, इसका जस्ट अंदर वाला, तो PRQ या QRP भी बोल सकते हैं, दोनों है। तो PRQ ये यहाँ भरा जाएगा। और S का जो है ना, बाहर वाला का इंटीरियर अपोजिट एंगल P भी है और Q भी है। तो एंगल P है और एंगल Q है। तो समझ आया दोस्तों? अब ये बता रहा हूँ, बी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, इसका एक्सटीरियर यहाँ है, VYZ या ZYB भी बोल सकते हैं। तो एंगल VZY और इसका जो होगा सटा हुआ एंगल, मतलब एडजेसेंट वाला, उसका YZX या XZY दोनों बोल सकते हैं, XZY। और इसका जो होगा ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एंगल X और एंगल Y। तो मैं होगा दोस्तों, अब ये भी बता देता हूँ, इसका जो एडजेसेंट एंगल हो रहा है, तो इसका यहाँ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगल CBA, CBD या DAC, है ना, दोनों बोल सकते हैं। तो एंगल DAC और इसका जो क्या होता है एडजेसेंट एंगल होगा वो BAC या CAB, तो एंगल BAC और इसका जो होगा एंगल B कौन, इंटीरियर अपोजिट और एंगल C। तो समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों, लुक एट द फिगर एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ये जो फिगर दिया हुआ है, ये देखो, 4 जो है एक्सटीरियर है, 5 भी एक्सटीरियर है और 6 एक्सटीरियर एंगल है, 1, 3 और 2 ये इंटीरियर एंगल है। चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल करस्पोंडिंग टू द एक्सटीरियर एंगल 5, दोस्तों 5 का जो है कौन हो जाएगा, तो हम बताए थे इसका जो है ना ये और ये कहलाता है, तो 3 और 2 और 3 या 3 और 2 भी बोल सकते हैं, है ना। इसका ये है, ये करस्पॉन्डिंग कहलाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग अपोजिट ये, इसका ये दोनों और इसका ये दोनों, है ना, मतलब इस ये है इसका ये एडजेसेंट कहलाता है, इसको छोड़ के ये दोनों, इसको लेंगे तो इसका ये एडजेसेंट कहलाता है, ये दोनों अपोजिट होता है, इसको लेंगे तो ये एडजेसेंट कहलाता है, ये दोनों अपोजिट है। समझ में आया होगा? तो यहाँ 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, ये। उसके बाद इंटीरियर एडजेसेंट बोला है एंगल करस्पॉन्डिंग टू 6, तो 6 का हम जैसे एडजेसेंट बोले इसका ये है दोस्तों, 2 हो जाएगा यहाँ। तो मैं लिख देता हूँ, ए नंबर का एंगल 2 और एंगल 3 हुआ, बी नंबर का क्या हो जाएगा एंगल 2, सी नंबर का बता रहा हूँ, द इंटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स आर इज, आर का इंटीरियर, दोस्तों आर का ये भी एंगल है, ये भी एंगल है दोस्तों, तो लेकिन इंटीरियर एंगल कौन है, यहाँ क्या बोला है, द
एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो इंटीरियर 3 है और एक्सटीरियर 4 है, तो एक्सटीरियर बोल रहा हम लोग को 4 है। नेक्स्ट है डी नंबर में, द डी नंबर में है द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ क्रॉस्पोंडिंग टू द एक्सटीरियर एंगल 6 आर डैश एंड डैश। दोस्तों 6 का निकलना है तो हम जस्ट बताए 6 का एक्सटीरियर अपोजिट निकलना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीरियर अपोजिट तो ये इसका ये और ये होता है नहीं, तो एंगल 1 और एंगल 3 हो जाएगा। उसके बाद है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल क्रॉस्पोंडिंग टू द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स पी इज, मतलब पहले पी का क्या निकलना है दोस्तों, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इसका क्या है, ये है 2 1 इंटीरियर है और 5 एक्सटीरियर है, तो कितना ई का हो जाएगा कितना एंगल 1। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।